कोरिया के होटल्स में कभी इंसान की जगह रोबोट्स होते हैं मम्मी, कभी एयरपोर्ट पे भी रोबोट्स होते हैं, एंड आपको पता है कभी कभी आपको कॉफी भी रोबोट्स ही बना के देते हैं। कोरिया की सोसाइटी बहुत अलग है, एंड इस वीडियो में आपको मैं 10 सरप्राइजिंग थिंग्स बताऊंगी जो हम इंडियंस के लिए बहुत ही डिफरेंट हैं। और नंबर 1 है गुड लुक्स फॉर रिज्यूमे। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मुझे तैयार होना तो अच्छा लगता है, बट मैं तैयार कभी कभी होती हूँ, और जब मेरा होने का मन नहीं करता तो मैं बिल्कुल ही भिखारी लगती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी कोरिया आओगे ना, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे ना, तो जैसे हम इंडिया में नहीं करते कि हम लोग कोई भी फोटो लगा देते हैं रिज्यूमे में कि क्या ही जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पेशल स्टूडियोज होते हैं आपके बिल्कुल प्रोफेशनल फोटो खींचने के लिए जो आपको रिज्यूमे में लगानी होती है, क्योंकि यहाँ ये बोला जाता है कि आपके रिज्यूमे सम टाइम्स ना फोटो के हिसाब से भी सिलेक्ट होते हैं। हाँ जी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत नीटली ड्रेस्ड होना चाहिए, आपके बाल अच्छे से बने होने चाहिए और आपके मुंह पे मेकअप होना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ी सी कंपलसरी हैं। वैसे तो देखा जाए ये शॉकिंग मेरे लिए भी था, बट ये है तो है। लेकिन मैं ये चीज भी बोलूंगी कि यहाँ की सारी कंपनीज ऐसी नहीं है कि वो फोटो देख के रिज्यूमे सेलेक्ट करती है। ये मैंने सिर्फ एमएनसीज के बारे में ही सुना है कि जितनी एमएनसीज होती है वहां पे ये चीज होती है कि वो लोग लुक्स देखते हैं, ड्रेसिंग सेंस देखते हैं। लेकिन देखा जाए जो न्यू स्टार्टअप्स आए हैं वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, एंड वो लोग रियल टैलेंट ही देखते हैं कि उनको जहां पे भी रियल टैलेंट मिलता है वो उसको रिक्रूट कर लेते हैं, तो वहां पे रिज्यूमे का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा बोला गया है कि मुझे रिज्यूमे वाली फोटो बहुत अच्छे से बनानी चाहिए, तो मैं वही आपको भी बोलूंगी, यहाँ पे अगर अप्लाई करो तो फोटो अच्छी होनी चाहिए। कॉफ़ी ऑर्डरिंग, तो जब से मैं कोरिया आई हूँ ना, मैं इंडिया 2 बार अप डाउन कर चुकी हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम इंडिया जा रही थी तो मैं एयरपोर्ट पे थी, एंड यहाँ पे ना कॉफ़ी का मग लेके सब लोग घूमते हैं तो बहुत कूल माना जाता है, या वो कूल दिखता है, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है, वो स्टारबक्स की कॉफ़ी वाले लोग बहुत ही कूल होते हैं, वो लोग कैफे में कॉफ़ी ख़त्म कर सकते हैं, बट नहीं, हमें तो कप लेके बाहर ही घूमना है। ऐसे सही भी बात है, इतनी महंगी कॉफ़ी है तो बाहर ही चल के घूमना चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे भी है कि लोग एक कप लेते हैं और उसको आराम से टहलते टहलते पीते हैं। तो मैंने सोचा आज एयरपोर्ट पे मैं भी लूंगी, तो मैंने भी जाके कॉफी लेने के लिए लाइन लगा दी। फिर क्या हुआ पता है, मेरे आगे वाले जो बंदा था उसने कॉफी ऑर्डर की, पता है कैसे? उसने कहा आ आ। तो मैंने कहा हो सकता हो कि मैंने साफ साफ कोरियन सुनी ही ना हो कि उसने क्या बोला, या तो मैंने कुछ ना कुछ वर्ड मिस आउट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे आगे एक और बंदी थी, उसने ऑर्डर किया, उसने भी कॉफी का नाम बोला आ आ। तो मैंने तो सोचा दुनिया हो गई है पागल, एंड मेरा दिमाग हो गया है खराब, या तो मैं बिल्कुल ही बहरी हो गई हूँ कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एंड मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि उसके बाद मेरी चांस ही तो होता नहीं है, मेरा दिल धक 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 कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई और ही लैंग्वेज चल रही है कि यहाँ पे बोलना क्या है, क्या होगा। एंड जब मेरी बारी आई तो मैंने चार्ट में जितने नाम थे सारे नाम पढ़ डाले कि ये कौन सी कॉफी थी भाई। एंड उसके बाद पता है उन्होंने मुझसे खुद ही पूछा आ आ, तो मैंने भी कहा आ आ। और आपको पता है आ आ क्या है? आइस्ड अमेरिकानो। तो मुझे वो कॉफी मिल गई। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कॉफी ऑर्डर कर सकते हो। फर्टिलिटी रेट, तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मतलब यहाँ पे लोगों को बच्चे ही नहीं करने होते। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन नंबर 1 पे, वैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डिग्रेड हो रही है क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ फ्यूचर जनरेशन ही नहीं चाहिए। एंड इसके रीजन ये है कि फीमेल्स को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी खराब हो जाती है, एंड मेल्स को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी इसलिए उनको शादी ही नहीं करनी है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि थोड़ा बहुत यूएस का कल्चर है, बट यूएस में तो लोग बच्चे करते हैं। तो मैं बोलूंगी हाफ यूएस कल्चर है कि शादी नहीं करनी है बट लिव इन रिलेशनशिप पे रहना है, एंड बच्चे भी नहीं करने है कि फीमेल अपनी लाइफ में खुश रहे और मेल बंदा अपनी लाइफ में खुश रहे। ये चीज यहाँ पे ज्यादा है। तो इसके लिए पता है यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ की गवर्नमेंट ने लाइव टिंडर खोला है, मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ लड़कियां आएंगी, कुछ लड़के आएंगे, एंड लड़के लड़कियों के बारे में जानेंगे, फिर बंदियां पूछेंगे कि वो लड़का कितना कमाता है एंड उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एंड फिर ये लोग साथ में खूब सारे गेम्स खेलेंगे एंड डेट करेंगे। बताओ, हमारे यहाँ तो डेट करने पे जूते पड़ते हैं, इनके यहाँ तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट। अब हम लोग अगर डेट लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं डे, मंथ, ईयर, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप जब भी फॉर्म भरोगे या फिर किसी भी चीज का एग्जाम दोगे या फिर रेज्यूमे के लिए डालोगे तो इतना याद रखना कि आप डेट का फॉर्मेट क्या यूज कर रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डे होता है। एंड जब भी आप फॉर्म देखोगे ना उसमें वाई 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 एम एम
और DD लिखा होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट का जरूर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑपोजिट लिखी जाती है, तो डेट का यहाँ पे ध्यान देना कि आप उसका फॉर्मेट लिख क्या रहे हो, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। तो मैं यहाँ पे अकाउंट खुलवाने गई थी, एंड अकाउंट खुलवाने वाले जो फॉर्म होता है उसमें आपको डेट भरनी ही पड़ती है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डेट भर दी थी, जो मैंने पढ़ा था कि डेट कैसे भरते हैं, बट उन्होंने बोला कि ये डेट ही गलत है। तो मैंने कहा अरे भैया यही ईयर चल रहा है 2023, तो क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ईयर का फॉर्मेट ये है, मंथ का ये है, डे का ये है। तो मुझे वो फॉर्म दोबारा भरना पड़ा था। तो आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको लिखना कैसे। एक और चीज बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे ना मुझे इंडियन खाने की तो भूख लगी आती है, तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट गई थी, वो भी सुबह के 11 बजे। और सुबह के 11 बजे हमारे यहाँ क्या होता है कि सब कुछ खाली रहता है, लेकिन यहाँ पे 11 बजे लाइन लगी हुई थी रेस्टोरेंट में, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट में। यहाँ पे लोगों को इंडियन खाना इतना ज्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आपको इंडियन खाना बनाना आता है ना, आप तब भी कोरियन बॉयफ्रेंड पटा लोगे। तो आप कोरिया में कोरियन बॉयफ्रेंड बना सकते हैं कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये था जो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे। तो मैं भी यहाँ पे बॉयफ्रेंड की खोज में निकली, एंड मैंने बहुत सारे कोरियन बंदों से बात की कि वो लोग एक फॉरेनर को डेट करना प्रेफर करेंगे या कोरियन बंदी को डेट करना प्रेफर करेंगे। तो उनका कहना था कि वो लोग कोरियन बंदी को डेट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो लोग कोरियन बंदियां जो होती है वो उनका कल्चर भी समझेंगी, वो उनके लिए कोरियन खाना भी बनाएंगी, एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपको कोरियन बहुत अच्छे से आती है एंड आपको कोरियन खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है, देन यस 6 साल और वेट करो एंड यहाँ आके कोरियन बंदा बिटाओ। फूड डिलीवरी ऐप, तो जब आप कोरिया आओगे आपको स्विगी एंड जोमैटो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे योगियो है, बिस्त्रो है, नौश है, एंड बहुत सारे ऐप्स हैं। एक छोटी सी दिक्कत और है, वो दिक्कत ये है कि जब मैंने इंडिया में खाना ऑर्डर किया था तो क्या होता है, एक डिलीवरी गाय होता है, वो आपके लिए खाना लाता है, आपको खाना देता है, फिर होता है बाय बाय टाटा सी यू। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे मैंने बिस्त्रो से खाना ऑर्डर किया था, ठीक, तो वो डिलीवरी पर्सन, मैं वेट कर रही थी अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, ये करते करते 2 घंटे हो गए एंड खाना ही नहीं आया। तब मेरी रूममेट ने मुझे बताया कि वो पर्सन आके दरवाजे पे रख के ही चला गया होगा। मैंने कहा क्या? तब मैंने एप्लीकेशन खोली और उसमें मैंने फोटो देखी, मुझे तब समझ आया ओ तो यहाँ के डिलीवरी गाय बाहर आके खाना रख के चले जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना जब भी यहाँ पे आना, जिससे कि आपका खाना कोई और लेके ना चला जाए। खाना वेस्ट, तो जब मैं कोरिया आई थी तो मैं एक महंगे से कैफे में गई थी, एंड वहां पे मैंने ये देखा कि जब एक बहुत ही सुंदर सी डिश नहीं आती है जिसको मेरा मन करता है कि मैं बिल्कुल घप्प से सारी खा जाऊं, उस डिश को लोग 2 चम्मच खा के छोड़ दे रहे थे। मुझे ये लगा, ये चीज मैंने इंडिया में भी देखी थी कि जब आप एक लेवल के बाद हायर सोसाइटी में जाते हो तो वहां पे लोग खाना थोड़ा सा खाने के बाद छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यही सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे भी देखी। एंड मैं ये बोलूंगी कि मैंने ये चीज के ड्रामा में भी देखी है कि जब वो नहीं होता है कि वो बंदिया CEO के साथ डेट पे जाती है एंड वो 2 चम्मच खा के गुस्सा होके खाना छोड़ के चली जाती है, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, एंड खाना बस आधा ही खाते हैं, या फिर एक घूंट कॉफी पी के पूरी कॉफी छोड़ के चले जाते हैं। यार मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होता, मैं तो वो कैटेगरी हूँ कि मैगी खाने के बाद प्लेट चाट के जब तक उसमें से मैगी का सारा मसाला ना निकल जाए तब तक मैं प्लेट ही नहीं छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट में बताना अगर आप भी आई हो तो। ब्राह्मण में उन खाना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम जब भी मुंह खोल के खाते हैं या फिर आवाज करके खाते हैं तो हमें तो जूते पड़ते हैं, है कि नहीं? बट यहाँ पे रामयन खा के और जो सुडुक सी आवाज आती है करके, अगर आप वैसे करके रामयन खाओ तो फिर यहाँ पे अच्छा माना जाता है, ये माना जाता है कि आपको खाना बहुत ही टेस्टी लगा। तो इसीलिए आप जब भी कोई भी छोटे छोटे कैफेज में या फिर छोटी छोटी जगह जाओगे एंड वहाँ पे उनके सामने जब करके नहीं खाते लोग, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको खाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस चीज का ध्यान देना। लेकिन जब भी यहाँ पे लोग फैंसी रेस्टोरेंट में और बहुत महंगी जगह जाते हैं ना, तब ऐसे नहीं खाते, तब फोक और चम्मच लेके ऐसे गोल गोल घुमा के नूडल खाते हैं। लेकिन जब वो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हैं या फिर किसी भी CVS स्टोर वगैरह जाते हैं तो ऐसे ही रामयन खाया जाता है। तो मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा लोनली फील होता था, या फिर मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा सैड भी लगता था, मुझे गुस्सा भी आती थी। तो आई एम समवन जो अपने इमोशन साफ साफ सबसे शेयर करता है, बट यहाँ पे मैंने देखा है कोई अपसेट भी होता है ना एंड वो बाहर लंच या डिनर के लिए जाता है, वो तब भी स्माइल करेगा, प्रिटेंड करेगा कि कुछ गलत ही नहीं है। तो मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड से बात की तो मुझे पता चला कि यहाँ लोग यही प्रेफर करते हैं कि जो वो सोचते हैं या जो फील करते हैं उसको ना दिखाते हुए जो सोसाइटी उनसे चाहती है वो करना। तो इस चीज को मैं बोलूंगी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये मुझे अच्छी चीज नहीं लगी। यहाँ पे मेंटल हेल्थ इज अ काइंड ऑफ टैबू कि लोग थेरेपिस्ट वगैरह के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा इंडिया जैसा ही है, जैसे
जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मेंटल हेल्थ रिलेटेड इतनी बातें नहीं होती है, सेम उसी तरीके से। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि यहाँ पे आओ, ओपनली मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो, और इंडिया में हो तब भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करो, और थेरेपिस्ट जाना है तो थेरेपिस्ट के पास जाओ। यहाँ के लोग खुद ही केपॉप नहीं सुनते। तो जब मैं नई नई कोरिया आई थी ना, तो मैंने बहुत खुशी खुशी सबको बताया था कि मैं BTS सुनती हूँ, ब्लैक पिंक सुनती हूँ, ट्वाइस सुनती हूँ, रेड वेलवेट सुनती हूँ। बट मुझे फिर पता चला कि यहाँ के लोग केपॉप इतना ज्यादा सुनते ही नहीं है। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि सिर्फ यहाँ के जो छोटे बच्चे नहीं होते हैं या फिर जो टीनएजर्स होते हैं वो सारी चीजें सुनते हैं, बट एक सर्टेन एज के बाद दे प्रेफर बाहर के गाने या फिर स्लो गाने या फिर पुराने जमाने के गाने। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि मम्मी पापा वगैरह को पुराने गाने ही पसंद होते हैं, है कि नहीं? नए गाने सिर्फ बच्चे ही सुनते हैं, वैसा ही कुछ कह सकते हैं हम। आप जब भी कोरिया आओगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, एंड उनको अगर आप बर्थडे पे गिफ्ट दोगे तब भी वो यही रिएक्ट करेंगे। अगर आप उनको कोई अच्छा सा खाना खिलाओगे तब भी वो यही रिएक्ट करेंगे। एंड बाई चांस अगर आपने उनको कोई सरप्राइज दे दिया या फिर कोई कूल चीज कर दी तब भी वो यही रिएक्ट करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ। एक और बहुत ही अजीब सी चीज है, वो पता है क्या है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी मिली थी। एंड अगर आपको जानना है वो एग्जैक्टली कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें थी, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर।